दोस्तों हमने अगली वीडियो में जाना था कि उपवास के क्या क्या फायदे हैं। अगर उपवास के फायदे हैं तो उपवास के नुकसान भी हैं। अगर आप उपवास के नियम का पालन नहीं करते हैं तो आपको उपवास करने से नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों अगर आप ज़्यादा देर तक भूखे रहेंगे तो आपके शरीर में कमजोरी भी आ जाती है, जिसकी वजह से उपवास करने वाला व्यक्ति चिड़चिड़ापन महसूस करता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उपवास के बाद तुरंत हेवी खाना खा लेते हैं। जब हेवी खाना खाते हैं तो उन्हें एसिडिटी की शिकायत होती है, उनके शरीर में गैस बनती है, सीने पे जलन होने लगता है, खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं और बाद में वही कब्ज का रूप ले लेता है। दोस्तों मैंने देखा है कुछ लोग निर्जला व्रत करते हैं और उनमें पानी की कमी होती है। जब पानी की कमी हो जाती है उन्हें चक्कर भी आने लगते हैं। इसलिए जो उपवास के नियम हैं अगर उस हिसाब से करते हैं तो आपको ये सब समस्या नहीं आएगी। तो उपवास करने वालों में देखा गया है कि चक्कर की समस्या जाती है। कुछ लोगों में मैंने देखा है कि डिहाइड्रेशन की समस्या जाती है, उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। कुछ लोग ऐसे मिले उपवास करते हैं, उपवास करने की वजह से उनके शरीर में पोषक तत्व नहीं जाता है, उनके शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं जाता है, जिसकी वजह से उनका शुगर लेवल काफ़ी नीचे हो जाता है और जब शुगर लेवल नीचे हो जाता है तो उन्हें चक्कर आते हैं, वो गिर भी जाते हैं। उपवास का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उपवास में कुछ लोग उचित मात्रा में पानी नहीं पी पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कमजोरी महसूस होती है और कुछ लोगों के किडनी पे भी प्रभाव पड़ता है। किडनी में भी सूजन आ जाती है क्योंकि किडनी को उचित मात्रा में पानी नहीं मिलती है तो सही से काम नहीं कर पाती है। कुछ लोगों में पथरी की समस्या बन जाती है क्योंकि शरीर को उचित मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है और उपवास करते समय कुछ लोग पानी की कमी कर देते हैं, जिससे पथरी की समस्या बन जाती है। यह भी उपवास के नुकसान है। कुछ लोगों में लो बीपी की शिकायत आ जाती है। इस तरह से देखा जाए तो उपवास के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं DRSKG नेचुरल उपचार और मैं आपका होस्ट डॉक्टर संजय गुप्ता। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आप हमें कमेंट्स करके बतलाएं, ईमेल करके बतलाएं, मैं उसका समाधान वीडियो द्वारा दूंगा, ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियो आपको आसानी से मिले और आप हमेशा स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। फिर मिलते हैं हम नए नुस्खे के संग, नए वीडियो के संग। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।